मोदी सरकार ने लोगों को राहत देते हुए शनिवार को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा, हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। इससे सरकार के राजस्व पर हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का भार आएगा। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अब 200 रुपए प्रति सिलेंडर 12 सिलेंडर तक सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा, इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। इससे सालाना करीब 6100 करोड़ रुपए राजस्व प्रभावित होगा। इस राहत के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 105.41 रुपए के बजाय 95.91 रुपए और डीजल 96.67 रुपए की जगह 89.67 रुपए लीटर हो जाएगा। पिछले दिनों पीएम मोदी ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करने की सलाह दी थी। अभी सरकार पेट्रोल पर 27.90 और डीजल पर 21.80 रुपए एक्साइज ड्यूटी के रूप में वसूलती है। इस कटौती के बाद पेट्रोल पर 19.90 और डीजल पर 15.80 रुपए एक्साइज ड्यूटी रह जाएगी। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा आज की है और मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी लाने का एक महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया है। इसका असर ये होगा कि पेट्रोल अब 9.5 रुपया सस्ता हो जाएगा और डीजल की कीमत में 7 रुपया की कमी आ जाएगी। ये बढ़ती हुई महंगाई के लिए उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। परिवहन से लेकर अन्य क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये इस कदम से उसको लाभ मिलेगा और उसके साथ ही साथ 200 रुपया सिलेंडर की कमी में कीमत में कमी लाई गई है। ये गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अब ये मान लें कि 1000 रुपया का गैस सिलेंडर 800 रुपया में मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सही समय पर इस प्रकार के कदम उठाने के लिए निर्णय लिया है और इसका असर बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में ज़रूर मिलेगा। मैं अब आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी कम कर लिया, बहुत महत्वपूर्ण कमी लाई है जिसका असर बाज़ार पर पड़ेगा, मगर यदि महंगाई को सही कम करना है तो राज्य सरकारों को तत्काल डीजल पेट्रोल पर वैट इसी मात्रा में कम करना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर डीजल।